Hey friends, welcome to my channel Prerax Tech World. So, मैं काफी दिनों से मेरे जो ये YouTube चैनल है उसके लिए एक DSLR कैमरा परचेस करने के लिए सोच रहा था। मेरा जो मेन मोटो था वो मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना था, तो जो भी वीडियो गोइंग फॉरवर्ड मुझे जो शूट करना था मैं सोच रहा था एक बार बैकग्राउंड ब्लर करके कैसा लुक आता है वो देखा जाए, तो उसके लिए मैं DSLR सोच रहा था। लेकिन DSLR में मुझे मैंने एक मॉडल सिलेक्ट भी किया था, कैनन का 3000D जो है वो मॉडल, इनफैक्ट मैंने परचेस भी कर लिया था फ्लिपकार्ट में, मुझे कुछ 18,000 में वो मिल रहा था फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल्स में। लेकिन वो परचेस करने के बाद थोड़ा बहुत और मैंने रिसर्च किया और पता चला कि उसमें कैनन का जो 3000D जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वीडियो के शूटिंग के लिए उसमें जो स्टैंडर्ड लेंस आता है वो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, प्रॉपरली बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और सेकंड चीज़ जो है वो DSLR में आप मैक्सिमम जो मैं क्वालिटी में शूट करता हूँ फुल HD 1080p 30fps या 60fps, हालांकि 60fps का ऑप्शन DSLR कैनन का 3000D में नहीं है, लेकिन 1080p 30fps में भी अगर मैं शूट करता हूं तो वो मैक्सिमम 10 टू मैक्सिमम 11 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। ये एक DSLR का लिमिटेशन है। तो ये सब सोचते हुए मैंने DSLR को कैंसिल कर लिया और उसके बाद मैं कुछ ऐसे फोन्स देख रहा था जिसमें एक अच्छा बैकग्राउंड ब्लर फॉर वीडियो पॉसिबल हो। आप फोटो तो किसी में भी आप बैकग्राउंड ब्लर करके बुके इफेक्ट ला सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मॉडल्स ही बैकग्राउंड ब्लर दे सकते हैं वीडियो के लिए। उसमें से एक जो है वो मुझे मिला Realme का जो 6 Pro है, वो मैंने चूज किया। Realme के अलावा Oppo का जो Reno सीरीज है, Reno 3 Pro और Reno 4 Pro, उसमें भी आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, लेकिन उसका प्राइस और वीडियो का क्वालिटी का जब मैंने डिफरेंस देखा, वो डिफरेंस देखने के बाद मैंने Realme 6 Pro को पसंद किया। मेरा मेन मोटो जो है वो ये फ़ोन परचेस करने के लिए सिर्फ वीडियो बैकग्राउंड ब्लर फॉर माय यूट्यूब चैनल था, लेकिन परचेस करने के बाद बाकी सारे फ़ोन के फीचर्स जो भी हैं वो मुझे पता चले और मुझे लगा कि ये फ़ोन लेकर मैंने कुछ भी रिग्रेट नहीं किया, बिकॉज ये मुझे ड्यूअल पर्पस सर्व करेगा। कैमरा के लिए तो मुझे यूट्यूब चैनल में सर्व करेगा ही, बट एज अ फोन ऑल्सो इसमें बहुत सारे अच्छे फीचर मुझे बाद में पता चले। फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज का IPS टेक्नोलॉजी वाला फुल डिस्प्ले, इसमें AMOLED नहीं है बट IPS डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 720G जो कि लेटेस्ट और काफ़ी परफॉर्मेंस प्रोसेसर है वो आपको मिलता है, जो आपको अगर GTA वगैरह गेमिंग खेलना है तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट प्रोसेसर है। उसके अलावा 6GB का रैम है और 8GB के वेरिएंट में भी मिलता है। 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज मिलता है, और 8GB के साथ आपको 128GB का स्टोरेज मिलता है। जो बैटरी कैपेसिटी है वो 4300mAh का बैटरी कैपेसिटी है। उसमें जो चार्जिंग है 30W का फास्ट चार्जिंग है, जो अकॉर्डिंग टू Realme विद इन 1 आवर 0 to 100% बैटरी को फुल चार्ज कर देता है। पंच होल कैमरा है, फ्रंट का जो कैमरा है वो ड्यूअल कैमरा है 16MP और 8MP का, और 16MP का जो कैमरा है IMX का जो कैमरा है सोनी का वो मिलता है। पंच होल कैमरा से डिस्प्ले का जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छा दिखता है। नॉट ओनली दैट, जो बैकेंड में जो कैमरा है वो भी क्वाड कैमरा सेटअप है। उसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 64MP का प्राइमरी कैमरा है, और इवन इसका जो लेटेस्ट जनरेशन है Realme 7 या Realme 7 Pro, उसमें भी जो मुझे चाहिए टेलीफोटो लेंस वो अवेलेबल नहीं है। सो एक और रीज़न बनता है Realme 6 Pro को चूज़ करने के लिए। टेलीफोटो लेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो आपको डिजिटल जूम करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। वो 20x तक जूम कर उसका जो कलर टोन्स जो मेंटेन करता है, प्लस आप 10x जूम करके जो इमेज क्वालिटी देता है वो भी मुझे रिव्यूज़ में काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए फटाफट इसका हम लोग करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेंगे वो चैनल में आपको Realme 6 Pro से मोस्ट ऑफ द वीडियो शॉट करते आपको पता चलेगा वीडियो का क्वालिटी, और मैं आपको कुछ वीडियो के और फ़ोन के सैंपल्स अगर आपको चाहिए
तो वो भी मैं आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वो सैंपल्स का एक अलग से कैमरा का जो रिव्यू है वो अलग से आपको वीडियो पब्लिश करूंगा। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल में मोर देन 170 वीडियो हो गए हैं अभी, और सब आपको टेक्नोलॉजीज़ के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप फ़ोन के रिव्यूज़ देख रहे हैं, लैपटॉप के रिव्यूज़ देख रहे हैं, या तो कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब टेक्नोलॉजी के वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके रिग्रेट नहीं करेंगे, वो मैं श्योर करता हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं Realme 6 Pro का अनबॉक्सिंग। सो लेट मी ओपन इट। सो यस, टाइम्स नाउ का जो सब्सिडरी है गैजेट्स नाउ, वहाँ से मैंने ये फ़ोन लिया है, बिकॉज फ्लिपकार्ट में ये फ़ोन मुझे 18,000 रुपीस में मिल रहा था। वो सेम फ़ोन मुझे डिस्काउंट में, रियल रिसेंटली जो सेल थे वो डिस्काउंट में अराउंड 14,500 में मिला। सो ये मैं कर देता हूँ इसका ओपन, और थोड़ा हैवी है, यस। सो इसको कर दिया मैंने ओपन, और पहले इसको साइड में रखते हैं। तो इसमें जो मिलता है वो एक तो ये TPU प्लास्टिक कवर मिलता है, थोड़ा ब्लैक शेड में है, क्वालिटी अच्छा है, और ये जो है वो कुछ क्विक गाइड डॉक्यूमेंटेशन है, उसको साइड में रखते हैं और फटाफट हम लोग ओपन। ओ, और जब मैं ओपन किया तो ये मुझे मिला 30 वॉट का, शायद आप देख पा रहे होंगे, 30 वॉट का VOOC चार्जर, और ये जो केबल है वो USB टाइप सी केबल है ऑफ कोर्स, और ये जो है वो Realme 6 Pro का फ़ोन है। मेरे पास जो कलर है वो रेडियंट ब्लू कलर का डिज़ाइन है, इसके अलावा आपको रेड कलर और ऑरेंज कलर में भी कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको कर दे ये हम लोग फटाफट ओपन, और बहुत ही शाइनिंग आप देख सकते हैं, एकदम बैक में शाइनिंग कर रहा है। ये जो है, ये जो फ्रंट और बैक दोनों में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, और इसका जो वेट है वो अराउंड 200 ग्राम्स के थोड़ा सा ऊपर, अराउंड 203 ग्राम्स है, तो थोड़ा सा ये बल्कि लगता है। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ये जो वॉल्यूम ऑन ऑफ बटन है, और मेन जो स्पेशलिटी है इसका वो है यहाँ पर जो आपको ये पावर बटन जो मिलता है, ये आप शायद देख पा रहे होंगे, ये जो पावर बटन है उसमें ही आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। तो ये जो पावर बटन है उसी में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। बैक में जो क्वाड कैमरा सेटअप देख रहे हैं वो उसमें एक 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है। और आगे का बात करें तो ऊपर जो है वो दो पंच होल डिस्प्ले वाला आपको ड्यूअल कैमरा लेंस मिलता है, और ये अभी लैंग्वेज सिलेक्शन। इसमें एक और फीचर है, आपको वाईफाई कॉलिंग भी मिलता है, तो आपको अगर वाईफाई कॉलिंग जो जियो और एयरटेल जो सपोर्ट करते हैं तो आप वाईफाई कॉलिंग से भी कॉल आप कर सकते हैं, और ऑटो स्विच टू सेलुलर नेटवर्क का फीचर है। बाय द वे इसमें जो OS मिलता है वो एंड्रॉयड 10 बेस Realme का खुद का Realme OS आपको मिलता है, और पहला जो ओप्पो का जो बेस OS था कलर OS, उससे ये काफ़ी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड OS है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंच होल जो है वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट कैमरा से बैकग्राउंड ब्लर करके वीडियो शूट हो रहा है, आप जो देख रहे हैं वो Realme का फ्रंट कैमरा से मैं शूट किया है, और ये बहुत ही अच्छी तरह बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है। और आप उसमें मैन्युअली बैकग्राउंड को ब्लर अगर ज़्यादा या कम करना है तो वो भी कर सकते हैं, और मुझे ये जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो ये जो है वो रियर कैमरा जो है उससे मैं बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट टेस्ट कर रहा हूँ। आपको ये बैकग्राउंड ब्लर कैसा लग रहा है, ये बुके मोड में जो वीडियो शूट हो रहा है वो कैसा लग रहा है मुझे
YouTube का जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताइएगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइस टेक केयर एंड